हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक्स चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आज की वीडियो में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो आज सॉल्यूशन के साथ सारे डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से थ्योरी के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि सब चैप्टर्स की जो थ्योरी है वो आपको करवा रही हूँ। वो इसलिए करवा रही हूँ गाइस क्योंकि आपका रिस्क कवर हो सके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट कराते हैं तो उनका गलत हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, कईयों की सप्ली आ जाती है, कईयों के मार्क्स जो है वो बहुत कम आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ट्रिकी डाल देता है। उससे गाइस क्या होता है कि ट्रिकी क्वेश्चन से कई बार आप कन्फ्यूज़ हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने के कारण वो जो स्टूडेंट है वो उस क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट कराता है। तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपको प्रैक्टिकल लग रहा है कि ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, इसमें मुझे लग नहीं रहा मुझसे सही होगा या नहीं होगा, तो उस केस में आप थ्योरी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी आपका रिस्क का भी काफ़ी कवर करती है। तो सभी चैप्टर्स की मैं पहले थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और साथ ही साथ गाइस चैनल को ज्वाइन कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नोट्स के लिए, जो ये नोट्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, उसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लो फटाफट से, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस थ्योरी का इस चैप्टर में से बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो गाइस ये आपका 2022, 2015, 2011, 2013 और 2019 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब अभी तक ये 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन आपको आता है सिंकिंग फंड का, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से आ सकता है। 2015 में आपके आया हुआ है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। 2022 में आपको आया हुआ है, एक्सप्लेन द सिंकिंग फंड मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है क्या। तो गाइस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्या मतलब होता है कि जो भी डिबेंचर्स होते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, जिसने डिबेंचर्स इशू किए थे, अब उसको क्या करना है, उसकी अमाउंट जो है डिबेंचर्स की उसे क्या करना है, रीपे करना है किसको, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। अब जो गाइस डिबेंचर्स हैं वो रिडीम हो सकते हैं एट पार और प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, ठीक है। गाइस जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं रिडेम्पशन की डिबेंचर्स की, ये यूजुअली जो प्रोस्पेक्टस में, जब प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप अपने डिबेंचर होल्डर को क्या करते हो, इनवाइट करते हो एप्लीकेशन के लिए, तो उस केस में आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है अब आपको कहाँ पे देखने को मिल जाती है, प्रोस्पेक्टस में देखने को मिल जाती है। अब एक गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग के लिए आता है, ठीक है, हो भी सकता है ये इस बार भी आ जाए, ठीक है। अगर ये इस बार आया तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसमें मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इन लंप सम एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। तो गाइस इस मेथड में क्या होता है, जो डिबेंचर की होल अमाउंट होती है ना, वो डिबेंचर होल्डर को एक ही लंप सम में दे देती है, मतलब एक ही बार में उनको पे कर दी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, मान लो 1 लाख की अगर थी उनकी रिडेम्पशन की वैल्यू, आप 1 लाख ही पे कर दोगे, ठीक है। तो इस केस में कुछ आपकी ना जर्नल एंट्रीज आती हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो ये रिडेम्पशन आप देते हो ना इस मेथड में, ये आउट ऑफ कैपिटल या प्रॉफिट में से देते हो, ठीक है। पहला है आपका रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या है कि जो कंपनी अगर अपने प्रॉफिट्स को यूटिलाइज नहीं कर रही है तो वो अपने डिबेंचर्स को रिडीम किसके थ्रू करेगी, आउट ऑफ कैपिटल। तो कुछ जर्नल एंट्रीज आती हैं, पहला है फॉर मेकिंग अमाउंट ड्यू ऑन, ड्यू की एंट्री पहले डालोगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। नेक्स्ट है अगर जो डिबेंचर्स हैं वो प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, पहले हमने पढ़ा अगर पार पे हो रहे हैं उसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बता दी, अगर प्रीमियम पे वो क्या हो रहा है रिडीम हो रहे हैं उस केस में जो जनरल एंट्री होएगी वो होएगी आपकी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आपकी एंट्री बनती है फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर्स की जो है रिडेम्पशन की आप पेमेंट करोगे तो इसकी आपकी एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। अब तो हमने पढ़ा रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल दी थी, अब हम पढ़ेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से अगर आप रिडीम कर रहे हो डिबेंचर्स को तो इस केस में आपकी एंट्रीज आती हैं, पहला है ड्यू की एंट्री आएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट आपकी एंट्री आएगी ये पार की थी, अब प्रीमियम पे अगर आप रिडीम कर रहे हो तो उस केस में आपकी जो एंट्री आएगी वो आएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, उस केस में आपकी एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट है थर्ड आपकी एंट्री आएगी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन रिडेम्पशन, ये आपकी एंट्री आएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये सारी एंट्रीज आपको याद करके रखनी है। नेक्स्ट है फोर्थ लास्ट एंट्री आएगी फॉर ट्रांसफरिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, इसकी आपकी एंट्री आएगी डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय एनुअल ड्रॉइंग।
इस मेथड में क्या है, जो सर्टन पोर्शन है टोटल डिबेंचर का उसे रिडीम किया जाता है एवरी ईयर। ये लॉटरी की तरह मतलब किया जाता है। इसका एक एग्जांपल है, मान लो एक कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर्स जो हैं इशू किए थे, अब वो रीपे क्या करेंगे, 1 लाख के जो हैं डिबेंचर्स को क्या करेंगे, रीपे करेंगे हर साल। ठीक है, तो हर साल उन्होंने क्या किया, 1 लाख के देते जाएंगे। फर्स्ट ईयर में उन्होंने 1 लाख के दिए, अब कितने बच गए, 4 लाख के बच गए। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर से 1 लाख के देते, ऐसे देते जाएंगे। और इस प्रोसीजर को ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रिडम्पशन है ये आउट ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट है इस मेथड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्जन। इस केस में क्या है, जो आपके डिबेंचर्स हैं उसे आप रिडीम करोगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दोगे न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर या शेयर्स में, उसके शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपके 5% के डिबेंचर थे, उसको 10% ऑफ डिबेंचर में कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन इसके नाम से याद रखना, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इनटू न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर में। इसकी आपकी कुछ एंट्रीज आती हैं, तो पहली आपकी एंट्री आती है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, या फिर डिबेंचर अकाउंट टू कैपिटल, या फिर डिबेंचर अगर आपने शेयर कैपिटल या डिबेंचर लिखोगे, अगर आपने शेयर इशू कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल, अगर डिबेंचर्स की हैं तो डिबेंचर्स लिखोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इसका आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, सीधा 15 मार्क्स का भी आ सकता है। तो ये है आपका गाइस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, जो मैं कह रही हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका सिंकिंग फंड मेथड। ये 15 के लिए, 5 के लिए, वैसे तो पूरे मेथड्स आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाना। और अगर गाइस ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है, तो सबसे पहले सिंकिंग फंड मेथड पढ़ेंगे। सिंकिंग फंड मेथड में बेसिकली क्या होता है, अब गाइस डिबेंचर्स की रिडम्पशन करनी कोई ईजी वे नहीं है कि हमारे पास 10 लाख 20 लाख पड़ा है हम उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता। कोई बहुत बड़ी अमाउंट होती है उसको हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है 20-20, 50-50 लाख के हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ता है, तो हमारे पास इतने पैसे थोड़े ना किसी के पास पड़े होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी इतने पैसे थोड़े ना पड़े हैं कि 50 लाख उठाएंगे और अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को दे देंगे। तो इस केस में गाइस क्या होता है, जो कंपनी है वो हर साल अपने प्रॉफिट, मान लो उनको प्रॉफिट हुआ हर लाख 10 लाख का, खर्चे वगैरह निकाल के प्रॉफिट बांट के मैनेजरियल रेमुनरेशन देने के बाद, मान लो उनके पास 2 लाख बचा। ठीक है, 2 लाख उन्होंने क्या किया, एक रिजर्व में डाल दिया। ठीक है, रिजर्व में क्यों डाला, कि जब वो अपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे उस समय ये पैसा काम आएगा। ठीक है, तो ये जो फंड है कंपनी क्रिएट करती है फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, उसे कहते हैं सिंकिंग फंड। ठीक है, सिंकिंग फंड बना देते हैं। इसकी कुछ आपकी क्या आती हैं, जनरल एंट्रीज आती है, वो भी पढ़ेंगे। तो गाइस जो अमाउंट है सिंकिंग फंड का, इसको किसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, किसी बिजनेस में, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, और जो उसका इंटरेस्ट आता है उसे फिर से इन्वेस्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और उसके बाद क्या कर सके, उसे रिडीम कर सके। ठीक है, तो गाइस इसकी कुछ जर्नल एंट्रीज हैं, एक बार वो कर लेते हैं। और ये जर्नल एंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेंबर्स को, जो मेरे मेंबर हैं चैनल के। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जर्नल एंट्री बनती है सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, सेकंड बनती है इन्वेस्टिंग करने की। सबसे पहले आपने क्या किया, प्रॉफिट में से जो आपका एक कुछ अमाउंट साइड पे रख लिया सिंकिंग फंड के लिए, तो उसकी एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब मैंने बताया उस फंड को आप, मतलब उस जो आपने पैसा रखा है उसको आपने इन्वेस्ट करना है, तो उसकी एंट्री आएगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब सेकेंड ईयर का एंड हो गया, अब आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा, उसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब जो उस इंटरेस्ट को आपने फिर से इन्वेस्ट कर देना, तो उसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब उसके बाद फिर से अगले साल आपको प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने कुछ पैसा साइड पर रख लिया, तो उसका आएगा सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। मतलब यहाँ से जो आपकी है ना, फिर से जो जनरल एंट्रीज है फिर से रिपीट पे चलेंगी। ठीक है, तो आपको शुरू में से अच्छी तरीके से लर्न कर लेती हैं। अब है एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, इसकी एंट्री आपकी क्या आएगी, फॉर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट पे, इसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो उस केस में आपकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद फिर से तीसरा साल आ गया, आपको फिर से प्रॉफिट अपने उसमें से फिर से थोड़ा पैसा निकालना है सिंकिंग फंड के लिए, उसकी फिर से आपकी एंट्री आएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देना है। सेल क्यों करना है, अब आपने रिडीम भी तो करना, आपका मेन टारगेट क्या था, डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो उसको सेल करोगे तभी पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इसको क्या करोगे, सेल कर दोगे। सेल करने के बाद प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसकी एंट्री डालोगे पहले। अगर आपको प्रॉफिट होगा इन्वेस्टमेंट सेल करने पे, तो उस केस में आप एंट्री डालोगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर आपको लॉस होगा तो उस केस में आप कौन सी एंट्री डालोगे, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद डिबेंचर्स को रिडीम करोगे, इसकी एंट्री आपकी आएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक।
और उसके बाद सिंकिंग फंड अकाउंट को क्लोज करोगे उसकी आपकी एंट्री आएगी, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 के लिए आता है। अगर ये जनरल एंट्रीज रेडी कर लोगे सारी, आपका प्रैक्टिकल भी इस चैप्टर में से हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसको ज़रूर से कर लो, ये आता ही आता, प्रैक्टिकल आए, थ्योरी है वैसे, थ्योरी सिंकिंग फंड तो आता ही आता, तो करके ज़रूर से जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, बार बार मैं कह रही हूँ। एंड नेक्स्ट है आपका मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इस पॉलिसी में क्या होता है, जो कंपनी होती है वो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है कुछ अमाउंट की। ठीक है, जितने भी उनको, मान लो अमाउंट 10 लाख उनको चाहिए, 10 लाख की, 10 लाख उनको चाहिए, 10 लाख की उन्होंने डिबेंचर रिडीम करने हैं, तो उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली 10 लाख की। ठीक है, कुछ देर बाद शुरू में वो क्या करेंगे, रेगुलरली या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर वो क्या करेंगे, प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम को पे करते जाएंगे। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी और इंश्योरेंस का अमाउंट उन्हें मिल जाएगा, फिर उसके बाद उसकी उन पैसों से वो क्या करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम कर देंगे। अब इसकी भी जनरल एंट्री सुन लो। पहला है, आप प्रीमियम पे कर रहे हो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, उस केस में आपकी एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, उसके बाद कुछ मनी आप साइड पे रखोगे प्रॉफिट में से, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, अब ड्यूरिंग द लास्ट ईयर दो एंट्रीज हैं। अब आपको जो, जैसे मैंने आपको कहा कि अब पॉलिसी जब मच्योर होगी आपको पैसे मिल जाएंगे, 10 लाख की पॉलिसी, मान लो 10 लाख मिल गए, 15 लाख मिल गए, अब उसका क्या करना है, आपने रिडीम करना है, उसको क्या करना है, रिडेम्पशन के लिए लगाना है। ठीक है, इस केस में आपकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, रियलाइजेशन ऑफ पॉलिसी से प्रॉफिट हुआ, तो उस केस में आपकी एंट्री आएगी रिडेम्पशन, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। लॉस हुआ तो उस केस में आपकी एंट्री आएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। उसके बाद रिडीम करोगे डिबेंचर्स, उसकी एंट्री आएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद डिबेंचर रिडेम्पशन फंड को क्लोज करोगे, उस केस में आपकी एंट्री आएगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद गाइस आपका लास्ट मेथड रह गया, वो है आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेजिंग ओन शेयर इन ओपन मार्केट। इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है वो अपने ही डिबेंचर्स को ओपन मार्केट में परचेज कर लेगी। ठीक है, अब इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला, परचेज ऑफ डिबेंचर फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ डिबेंचर एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फर्स्ट केस में आपकी जो एंट्रीज है वो आएंगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अगर आप अपने ही शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो एंड परचेज कर रहे हो, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको रिडम्पशन के लिए ट्रांसफर कर रहे हो, तो उस केस में आपकी एंट्री आएगी प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट है केस बी, अगर डिबेंचर्स आपने परचेज करने हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, उस केस में अपने ही डिबेंचर्स को परचेज करने के लिए एंट्री आएगी ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, परचेज प्राइस के साथ कैंसिल कर रहे हो अपने डिबेंचर्स को, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ऑन डिबेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फिर उसके बाद ट्रांसफर कर रहे हो अपने जो प्रॉफिट है रिडेम्पशन का, उस केस में आपकी एंट्री आएगी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो गाइस ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। एंड गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स के लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप को फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है, 59 रुपीज़ में पर मंथ में आपको सारे जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसका नोट्स प्रोवाइड करूंगी। तो गाइस अगर आप ट्यूशन के लिए भी जाते हो, इंस्टीट्यूट में भी जाते हो, तो आपको पर सब्जेक्ट के 1500-2500 तक देने पड़ते हैं, तो 60 रुपीज़ एज ए नॉमिनल चार्जेस हैं आप सभी के लिए, 59 रुपीज़। ठीक है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।